तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव, गौरव एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, एक 775 DC मोटर है। तो ये जो मोटर है ना, इसके काफ़ी लुल्ला RPM है। क्या बोला तूने? तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इस मोटर के RPM बढ़ाने वाले हैं। RPM इसके करेंगे 25,000 RPM। दोस्तों, वो हम कैसे करेंगे आप वीडियो में बने रहें, देखते रहिए। तो इसको दोस्तों हम रिपेयर करने वाले हैं, तो इसकी रिबेंडिंग करने वाले हैं। दोस्तों, इसको हम रीचेंज करने वाले हैं, रिपेयर बोलते हैं उसे, रिबेंडिंग बोलते हैं, वही करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके RPM कितने और इसमें वोल्टेज हमारे कितनी दे रहा हूँ मैं, इसमें वोल्टेज कितनी हमारे RPM दे रहा है। दोस्तों, आप ये सोचो फेक है, फेक कुछ फेक वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 11.6 वोल्टेज आ रहे हैं, 11.61 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे हमारे। तो इन वोल्टेजों से मैं यहाँ पे इस वाली मोटर को चला के दिखाऊंगा आपके सामने, जो बात होगी आपके सामने होगी लाइव बिल्कुल। तो इसकी स्पीड देखिए, अभी इतनी है, इतनी सी स्पीड है कि इसकी स्पीड तो थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन टॉर्क इसका इतना है कि मैं हाथ से इसे रोक देता हूँ। तो मेरे हाथों में बहुत ताकत है, मैं सबको रोक, सब चीज़ रोक सकता हूँ, ट्रेन भी रोक सकता हूँ, हवाई जहाज भी, कुछ भी रोक सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेप लगा करके आगे इस पर फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी इतनी स्पीड है, इतनी ही इसमें ताकत है। तो ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल आपके सामने है, जो बात है बिल्कुल आपके सामने है। तो दोस्तों, इसकी हम रिबेंडिंग करने वाले हैं। तो रिबेंडिंग हम कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। तो इस टेप को हटालते हैं सबसे पहले, तो इसको हम ओपन करेंगे खोल के। तो दोस्तों, इसके नक्के लग रहे हैं ना पीछे इसमें, तो उन नक्कों को हम यहाँ से तोड़ देंगे। नहीं खुलेंगे तो तोड़ नहीं पड़ेगा, और खुल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो तोड़ देंगे। क्या दिक्कत है, अच्छे अच्छे को तोड़ दिया है, क्या दिक्कत है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, एक बात कहनी है आप सभी से, दिल से कहना चाहता हूँ दोस्तों, तो लव यू दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आप बने रहे वीडियो में, और मैं देखिए इनको ठोक रहा हूँ मोटर को। तो इतना ठोकना हमें सभी इस मोटर को सिर्फ और सिर्फ कि हमें नक्के खुल जाएं, ये बस, और कुछ नहीं करना। हमारी मोटर टूट सकती है, तो ऐसा तो हमें नहीं करना। तो यहाँ पे आगे से हम ठोकेंगे तो निकल जाएगा पीछे का, है आगे से ठोकेंगे तो पीछे का निकल जाएगा। वाह, क्या था ये, तो जोक हो गया दोस्त, जोक। तो यहाँ से देखिए पीछे का निकल चुका है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको यहाँ से, इसमें वायर सेल वगैरह लग रहे हैं, ये वाली निकाल लेंगे। तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा निकल चुका है, तो अब इसका आर्मेचर भी खींच लेते हैं हम। तो आर्मेचर दोस्तों काफ़ी हैवी लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट है ना इसकी, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत टाइट खींचा था, तो इसीलिए 775 मीटर मोटर जो पावरफुल होती है, इसी वजह से होती है, इसकी मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आर्मेचर इतनी लुल्लू वायर से भरा गया है कि कुछ पूछो ही मत, कंपनी पता नहीं क्या है, क्या करती है पता नहीं यार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं वायर दिखा दे रहा हूँ, काफ़ी लुल्लू सा वायर है, इतना पतला है कि कुछ पूछो ही मत, ज़्यादा मेरे हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे हिसाब से शायद 30 नंबर का वायर हो सकता है ये। तो अभी हम कंफर्म कर लेते हैं क्या बात है, कितने नंबर का ये वायर हो सकता है हमारा। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले ओपन कर दें। तो इसके मैं नक्के ना आगे से हम सभी नक्कों को खोल लूँगा, सभी को खोल लूँगा। सबसे पहले नक्के खोलने हमें, नक्के खोलने के बाद इसकी वेंडिंग है ना जो अभी हो रही है, उस वेंडिंग को यहाँ से हटा देंगे हम। इसमें दूसरी रिबेंडिंग करने वाले हैं, तो ये रिबेंडिंग का मतलब यही होता है, तो नई वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं इससे निकाल दूँगा इस वाले वायर को, ये वायर जो हमारा ठीक है, किसी और मोटर में लग सकता है। तो दोस्तों, मैं इस वायर को फेंकूँगा नहीं, यहाँ पर रख लूँगा किसी और प्रोजेक्ट में काम लेने के लिए। तो ये जो है वायर कभी भी किसी भी और किसी मोटर में वर्क कर सकता है, छोटी मोटर हो उसमें वर्क कर सकता है, जैसे कि हमारी 380 मोटर होगी उसमें। तो इसको दोस्तों, मैं सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं हमारा कॉपर का है किसका है। तो दोस्तों, मैंने चेक कर लिया खोल इसको छील छाल के, तो ये हमारा कॉपर का, प्योर कॉपर का वायर है। तो दोस्तों, इस बात से तो कंपनी ठीक है, हमारा इसमें कॉपर का वायर दिया है, तो इसके वजह से इसका स्पीड ठीक ठाक है, लेकिन RPM ठीक ठाक है, और टॉर्क इसमें नाम की चीज़ ही नहीं है, हाथ से मैंने रोक दिया था। और टॉर्क हो भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हाथों में बहुत ताकत है, मैं हवाई जहाज ट्रेन व्रेन सबको रोक दूंगा। कौन है ये लोग? तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे से खोल दिया हूँ,
तो इसको मैंने दोस्तों यहाँ पे देखिए खोल रहा हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों एक मैंने एक स्लोट खोला, उस स्लोट में हमारे 45 टन निकले हैं। तो 45 टन निकले हैं हमारे इसमें एक स्लोट में। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी स्लोट में खोल देता हूँ दोस्तों। अभी मैं सभी को खोल के फिर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने लोंडे को चिकना बना दिया, तो चिकना कर दिया मैंने लोंडे को, ठीक है दोस्तों। जैसे चिकनी चमेली निकली घर से अकेली, ये तो सॉन्ग होएगा दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। तो इसमें दोस्तों ये वाला बार निकला है, इसको मोहब्बत से रख देंगे साइड में। तो दोस्तों ये वाला बार हमारा निकल चुका, अभी हम दूसरा बार लेंगे। तो दोस्तों ये मैं लेके आया हूँ बार है। तो दोस्तों आप सपोज करो यानी सोचो क्या नंबर कितने नंबर का वायर होगा ये। तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ ये 22 नंबर का वायर है, मैं लेके आया हूँ 50 रुपये का, ठीक है दोस्तों। तो मैं 22 नंबर का ये वायर है, इसको 50 रुपये का लेके आऊँ, वो प्योर कॉपर का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इसकी पॉलिश हटा दूँगा, ऊपर जिस पर प्रिंट वगैरह लगी होती है उस वाली प्रिंट को यहाँ से घिस दूँगा, हटा दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं हटाओगे तो हमारा जो वायर है ना ये हम रिबेंडिंग करेंगे तो हमारी ये मोटर काम ही नहीं करेगी। तो काम नहीं करेगी तो हमारा मेहनत बेकार, तो ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक नक्की में लगा दिया, फिर हमें क्या करना है जिस नक्की में हम लगा रहे ना वो वाला स्लोट हमें छोड़ के अगले वाले स्लोट से हमें टर्न स्टार्ट करनी है। तो एक स्लोट बीच में छोड़ना है, एक स्लोट छोड़ के दूसरे स्लोट से फिर टर्न हमें स्टार्ट करने है। तो जैसे दोस्तों मैं कर रहा हूँ आई होप बिल्कुल आपके सामने है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो बातें आपके सामने होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसमें टर्न लगा रहा हूँ, तो आप गिनती करिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसमें टर्न कितने लगाए आप गिनती करिए, मैं आपको फिर बताता हूँ कितने टर्न लगाऊंगा मैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरे टर्न कर दिए। तो इसमें दोस्तों मैंने ये सपोज कीजिए आप कितने टर्न दिए होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मैंने इसमें 40 टर्न दिए हैं, हमारे 45 टर्न निकले थे। तो वो वाला हमारा जो वायर था वो पतला वायर था, ये वाला हमारा मोटा वायर है। तो रीबेंडिंग मोटे वायर से कर रहे हैं ताकि हमारा इसमें टॉर्क भी बढ़ जाए और स्पीड तो अंधाधुन हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है, घोड़ा टाइप हो जाएगी इसकी स्पीड तो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसमें 40 टन दे दिए, तो इसमें एक टन मतलब एक स्लोट में मैंने 40 टन दिए हैं। तो मैं दूसरा स्लोट शुरू करता हूँ यहाँ से। तो हमें इस वाले नक्के पे लगाना है ना, उसका नीचे वाला स्लोट छोड़ देना है, उससे अगले स्लोट से हमें शुरू करना है। तो एक स्लोट हमें छोड़ के दूसरे स्लोट में लगाना है। तो ऐसे ही हमें इसमें भी 40 टन लगाने। दोस्तों मैं सभी को यहाँ पे 40 टन लगा लूँगा इसको। तो 40-40 हमें सभी में लगाने हैं, हमारे जितने भी हैं इसमें स्लोट हैं। तो सारे स्लोटों में मैंने 40 टन देने हैं, ठीक है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल, आई होप बिल्कुल आपके सामने जो बात है। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या है, और कुछ नहीं। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आप सभी से, कि ये चीज़ आप कर लें प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से, कुछ नहीं सब्सक्राइब कर लो यार, और क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने देखिए बिल्कुल कंप्लीट कर दिया लोंडा, आप बताइए आप कैसा लग रहा है। तो ये जो मोटर है ना हमारा, अब यानी इसके मोटर का आर्मेचर, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो इसके जो है ना आगे के नक्के हैं मैं इनको दबा दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको दबा दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, जो बात हो आपके सामने है। आज वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, अच्छी लगी होगी और लगी रही होगी, बात ये की है नहीं, अलग अलग बातें। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी यहाँ तक तो। दोस्तों ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर मैंने पूरे टर्न कर दिए। तो अब इसको दोस्तों पैकिंग कर देंगे, जैसे ओपन किया था ना वैसे ही हम इसको बंद करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही बंद कर दिया जैसे हमने इसको खोला था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब इसके हम यहाँ पर टेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने मोटर बनाई है ना काफ़ी हाई RPM है इसके। तो दोस्तों RPM में नाप तो नहीं सकता, किसी चीज़ पर मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे मैं RPM इसके बता सकूँ आपको कितने हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई, ठीक है। इसके RPM देखिए अब दोस्तों, ठीक है मैं चोंच बंद कर ले रहा हूँ अपनी, तो ठीक है दोस्तों। और ये सोचो कि आप इसमें हमारे 12 यानी कि 11.6 से ज़्यादा बोल्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, सब कुछ आपके सामने रियल है, जो बात है आपके सामने है दोस्तों। तो इसमें मैं टैप लगा दे रहा हूँ आपको, फिर आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों एक और बात, आप इससे हाथ से पकड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें दोस्तों, मैंने ही कोशिश कर ली थी, मेरे हाथ में लग चुकी है, ठीक है दोस्तों। वो तो मुझे वीडियो मजबूरन बनानी पड़ रही है, मेरे हाथ में लग चुकी है यहाँ पे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय 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 बाय।